तो दोस्तों फाइनली आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जियो फ़ोन की। दोस्तों इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस मोबाइल को मैंने जियो के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करवाया था 500 रुपये देकर, और इस मोबाइल को रिसीव होने में तकरीबन मेरे को 2 महीने का वक्त हो गया है। इस मोबाइल को मैंने अगस्त में बुक कराया था जो कि मुझे अक्टूबर में जाके मिला है, तो तकरीबन 2 महीने का वक्त मुझे लग गया है इस मोबाइल को रिसीव होने में, बहुत लंबा ड्यूरेशन था। तो कोई नहीं दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली मोबाइल मेरे को रिसीव हो गया है। तो आज मैं आप सभी के लिए इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस मोबाइल को अनबॉक्स करने से पहले हम पहले बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइस आप इस मोबाइल को आपके टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियो मीडिया केबल। और इस बॉक्स के बैक साइड में आप सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इस फ़ोन की। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये फ़ोन नॉट फॉर रिटेल सेल है, और इस बॉक्स के अंदर हमको एक हैंडसेट, एक अडाप्टर, एक बैटरी, एक QSG यानी कि क्विक स्टार्ट गाइड, और एक कीपैड गाइड और एक जियो सिम कार्ड मिलेगा। और दोस्तों आप इस मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर देख सकते हैं जो कि है अक्टूबर 2017, और इस मोबाइल की बॉडी की SAR वैल्यू है 0.796। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको जियो की क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है, क्या क्या फीचर्स है जियो फोन के और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम जियो सर्विसेज की बात करते हैं। यहाँ पर आप अपना माई जियो का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, और आप टीवी देख सकते हैं, कोई भी सिनेमा देख सकते हैं, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं ऑनलाइन ही, और आप जियो स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक खास फीचर दिया गया है, टॉक फेस टू फेस विद जियो वीडियो कॉल। तो यानी इस फोन में हमको वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पर एक खास फीचर दिया गया है इस फोन में जो कि है पर्सनल वॉइस असिस्टेंट, और जिसको जियो ने नाम दिया है हेलो जियो। तो आप देख लेते दोस्तों इस फोन में क्या क्या फीचर हमको मिलते हैं। इस फोन में आप HD वॉइस कॉल और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस फोन में आपको 4G इंटरनेट मिलता है। आपको इस फोन में मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस मिलती है। इसमें GPS है, ब्लूटूथ है, वायरलेस FM रेडियो दिया गया है, Wi-Fi कनेक्टिविटी भी दी गई है। और दोस्तों इस फोन में खास फीचर दिया गया है जो कि है टैप एंड पे। इसमें आप कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं NFC के द्वारा। तो अब हम देख लेते दोस्तों इस फोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले तो इसमें हमको 2.4 इंचेस की QVGA डिस्प्ले मिलती है। इसमें हमको 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, प्लस साथ ही हमको इसमें VGA फ्रंट कैमरा मिलता है वीडियो कॉलिंग के लिए। और इसमें हमको 2000 mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है। साथ ही इसमें 512 MB का रैम दिया गया है और 4GB का रोम दिया गया है, और ये 128 GB तक microSD कार्ड भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है, और ये केओस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। तो दोस्तों फाइनली अब हम इस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो गाइस लेट्स अनबॉक्स दिस मोबाइल। तो अनबॉक्स करते ही सबसे ऊपर ही आप मोबाइल देख सकते हैं। गाइस मोबाइल काफ़ी हैवी है, और टच करते ही मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी पता चल रही है कि बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी हमको इस फोन में मिलती है। सो लेट्स कीप दिस मोबाइल असाइड फॉर अ वाइल। तो हम देखते हैं हमको और क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है इस फोन के साथ। तो यहाँ पर हमको आई थिंक ये एक USB वॉल ब्रिक चार्जर दिया गया है इसमें। गाइस ये USB वॉल ब्रिक चार्जर इसमें दिया गया है। इस चार्जर की हम रेटिंग देख लेते हैं। गाइस इस चार्जर की आउटपुट रेटिंग है 5 वॉट और 0.7 एम्पेयर। और ये रही इसकी बैटरी। गाइस इसमें हमको 2000 mAh की बैटरी मिलती है, एज यू कैन सी ओवर हियर 2000 mAh। और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमको और कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि हमने बॉक्स के पीछे देखा था कि एक QSG गाइड, कीपैड गाइड, और ना ही हमको यहाँ जियो की सिम मिली है। तो हम इस फ़ोन को एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि सिम इसके अंदर तो नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सिम इसी के अंदर पहले से लगी हुई है। और दोस्तों मोबाइल का कीपैड बहुत अच्छा कीपैड है, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है वीडियो कॉलिंग के लिए, और ये स्पीकर ग्रिल है, और नीचे इसके ऑडियो जैक दिया गया है 3.5 mm का, और इसके राइट साइड में माइक्रो USB स्लॉट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और इसके टॉप साइड में आपको टॉर्च मिल जाता है, और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये रेयर कैमरा है, और ये NFC के लिए, दो पिन जो आप देख रहे हैं ये NFC के लिए है।
और ये स्पीकर ग्रिल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल डुअल सिम नहीं है, जैसे ही हमने पहले सुना था बाकी यूट्यूबर से कि इसमें हमको डुअल सिम की सुविधा मिलती है, बट दोस्तों ये मोबाइल डुअल सिम नहीं है, ये सिर्फ सिंगल सिम है। इसमें आप एक माइक्रो सिम कार्ड लगा सकते हैं और साथ ही आप एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस मोबाइल की बैटरी को इंसर्ट करके मोबाइल को बूट करते हैं। दोस्तों ये मोबाइल काफी हैवी मोबाइल है और काफी इजी टू ग्रिप भी है, तो मोबाइल बूट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जियो डिजिटल लाइफ का ये ब्रांडिंग आ गई है, सामने लोगो हमारे सामने आ चुका है जियो का। दोस्तों ये इस मोबाइल का पहला बूट है, सो डेफिनेटली इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो एज यू कैन सी मोबाइल यहाँ पे बूट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप केओएस की टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, सो लेट्स स्किप इट। दोस्तों यहाँ पे मेन्यू ओपन कर दिया, यहाँ पे आप काफी सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल की ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आप प्रॉपरली देख पाए स्क्रीन को। तो हम ब्राइटनेस को 20 पे कर लेते हैं, 20% पर। तो अब हम दोस्तों इस मोबाइल की सेटिंग में जाकर देखते हैं हमको कितना स्पेस इस मोबाइल में मिलता है। तो सेटिंग में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मीडिया स्टोरेज हमको 951 MB का अवेलेबल मिलता है और एप्लीकेशन स्टोरेज हमको 1.14 GB इसमें मिलता है। तो अप्रोक्स देखा जाए तो हमको मीडिया के लिए भी 1 GB मिलता है और एप्लीकेशन के लिए भी 1 GB इसमें फ्री मिल जाता है स्पेस। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक केओएस 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसमें दोस्तों हमको डेवलपर ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जियो स्टोर में हमको क्या क्या एप्लीकेशन मिल जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर जियो के सभी एप्लीकेशन दिए गए हैं, जियो वीडियो कॉलिंग है, माई जियो है, जियो के सभी एप्लीकेशन यहाँ पे दोस्तों दिए गए हैं, जियो म्यूजिक, जियो टीवी, जियो गेम्स। तो अब हम किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है इसमें। तो हमने जियो सिनेमा यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को परमिशन देंगे अलाउ पे क्लिक करके। तो दोस्तों एज यू कैन सी प्लेलिस्ट पूरी हमारे सामने आ चुकी है सिनेमास की। तो अब हम किसी भी एक वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वॉल्यूम अप करेंगे डाउन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों मोबाइल का वॉल्यूम बहुत जबरदस्त वॉल्यूम इस मोबाइल में आपको मिल जाता है। तो अब हम इस मोबाइल का कैमरा देख लेते हैं। इसमें हमको 2 MP का रेयर कैमरा मिलता है। दोस्तों रेयर कैमरा की पिक्चर क्वालिटी बहुत बेकार है, इट्स लाइक VGA कैमरा, बट 1500 रुपये में दोस्तों हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और दोस्तों यहाँ पर मैं वॉइस असिस्टेंट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ एरर आ गया है जो कि हम बाद में देखेंगे। और इस मोबाइल में दोस्तों आपको टॉर्च भी मिलता है, आपको 2 सेकंड तक आपकी को प्रेस करना होगा टॉर्च को ऑन करने के लिए, और 2 सेकंड तक आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाएगा। और इस मोबाइल के वेब ब्राउजर को ओपन करने के लिए आपको 0 कीपैड को 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउजर ओपन हो चुका है। तो अब हम जियो के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी इसने वेबसाइट को काफ़ी स्मूथली लोड कर लिया है। दोस्तों इसमें हमको जियो के सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, बट इस मोबाइल में मिसिंग जो है वो है व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के एप्लीकेशन। अगर हमको इसमें मिल जाते तो इस सोने पर सुहागा हो जाता, ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता, बट अभी इस मोबाइल में कोई एप्लीकेशन नहीं है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। इन फ्यूचर इस फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप का फीचर आ सकता है, बट अभी इस मोबाइल में ना व्हाट्सएप, फेसबुक और ना ही यूट्यूब है। अभी फिलहाल इस मोबाइल में सिर्फ जियो के सभी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस मोबाइल में आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो अभी मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा, वाईफाई, फ्लैशलाइट, ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया गया है, कैलकुलेटर है और वायरलेस FM आपको मिल जाता है। आपको ये सभी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। और ब्राइटनेस की बात अगर करी जाए दोस्तों 20% में भी स्क्रीन काफ़ी ब्राइट है।
तो ओवरऑल गाइज एज पर माई वर्डिक्ट इन द प्राइस रेंज ऑफ 1.5 थाउजेंड, सो इट्स डेफिनेटली इट्स अ गुड डील। आप इस मोबाइल को डेफिनेटली परचेज कर लीजिए, बहुत ऑसम मोबाइल है, मोबाइल बहुत ज़्यादा ईजी टू ग्रिप है दोस्तों। और सबसे बढ़िया बात की है 4G फ़ोन है और इसमें आप जियो की सिम कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। तो 1.5 थाउजेंड में दोस्तों ये बहुत अच्छा फ़ोन है, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को अभी कभी परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छा फ़ोन है गाइज एज पर माई वर्डिक्ट, आप इस मोबाइल को अभी कभी परचेज कर लीजिए। तो दैट्स इट दोस्तों। तो गाइज आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी सुझाव है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो के जस्ट नीचे आप एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब के बटन को आप अभी कभी प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप गाइस बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, आप घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो गाइस नमस्कार।